विराट कोहली गुस्से में है, और वो भी क्यों नहीं, जज्बात से वो गुस्से में है, वो बिल्कुल वाजिब है, और इस पर गुस्साना लाजमी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को, पर मैं हूं राकेश रंजन। विराट कोहली बहुत गुस्से में है और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार जो है वो एक इंस्टा पोस्ट से किया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से विराट गुस्से में है, तो आपको बता दूं कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ जिसमें विराट कोहली जिस होटल रूम में है पर्थ में, उस होटल रूम का पूरा वीडियो वायरल कर दिया गया। उस रूम में क्या क्या है, उस रूम की में जो आलमारी है उसमें क्या है, यहां तक कि विराट के बाथरूम तक में क्या रखा है, ये सारी चीजें दिखाई गई। और इस बात पर तो विराट का गुस्सा नावाजिब है, विराट गुस्साए भी, और उन्होंने इस वीडियो के साथ इंस्टा पर एक पोस्ट किया और कैप्शन एक लंबा चौड़ा लिखा और उसमें वो उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी। अगर वीडियो की बात करें तो उसमें आपको दो छोटी मूर्तियां दिखती हैं, इसके अलावा विराट का चश्मा दिखता है, जर्सी है, शूज जो है उनके वो बहुत करीने से रखे हुए हैं, इसके अलावा बैग है वो दिखता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि विराट की बिना जानकारी के ये वीडियो कैसे शूट हो गया, और ये एक सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कह सकते हैं, और इस बात पर डर लगना भी जरूरी है और इस पर गुस्साना भी वाजिब है। निश्चित तौर पे विराट जो है इनसिक्योर फील करेंगे, कोई भी व्यक्ति इस पर इनसिक्योर फील करेगा। और विराट ने जो पोस्ट किया है, अगर वो इंग्लिश में पोस्ट है, अगर मैं उसका हिंदी करके आपको बताऊं तो विराट कोहली ने निकला कि मैं समझ सकता हूं कि फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और उनसे मिलने के लिए उतावले होते हैं, और मैंने हमेशा इस बात को सराहा है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि फैंस चाहते हैं कि वो खिलाड़ियों से मिले, उनके बारे में जाने, और इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें पर्थ के होटल में जो हुआ है उससे हुआ है, जो क्राउन होटल है। लेकिन उन्होंने कहा, वो वीडियो के बारे में बात करते हुए कहते हैं, लेकिन यह वीडियो डराने वाला है और इसे देखकर मैं इसे पागलपन ही कहूंगा और मैं इसके साथ बिल्कुल ओके नहीं हूं। यह बिल्कुल ही सही बात है कि कोई कैसे ओके हो सकता है, हम या आप अगर किसी होटल के कमरे में हो और अगर उस कमरे का कोई वीडियो ले रहा है तो यह तो बिल्कुल ही प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है। न सिर्फ प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है बल्कि सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है कि कोई व्यक्ति जो है वो कैसे अंदर घुस गया और अंदर घुसकर वो वीडियो बनाता है जब विराट वहां नहीं है, और न ही इस वीडियो को बनाने के लिए उन्होंने विराट कोहली से परमिशन लिया है। आगे लिखते हैं उन्होंने विराट कोहली कि अगर मुझे मेरे ही होटल रूम में प्राइवेसी नहीं मिलती तो मैं और किसी जगह कैसे प्राइवेसी की उम्मीद कर सकता हूं, मैं इस तरह के फेनेटिज्म को सही नहीं मानता। बिल्कुल सही लिखा है विराट ने, यह मेरी प्राइवेसी का पूरी तरह से उल्लंघन है, प्लीज लोगों की प्राइवेसी की इज्जत कीजिए और किसी को सम्मान को सामान मतलब वस्तु मत समझिए और उसे ना ही मनोरंजन का साधन समझिए। ये विराट कोहली ने लिखा है और इसमें उनका गुस्सा जो है वो झलक रहा है, और कह सकते हैं कि और इस पर जो है बवाल मचा हुआ है, और अब होटल की ओर से भी सफाई है वो आ गई है और होटल जो क्राउन होटल है उसने माफी मांग ली है। लेकिन जो उन्होंने माफी मांगी है ना, बड़े टैक्टफुली वो उन्होंने माफी मांगी है, जो उनका माफीनामा है उसमें विराट का नाम कहीं नहीं है, जबकि ये जो घटना हुई है वो विराट के साथ हुई है। उन्होंने विराट की जगह गेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने लिखा है कि एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है जो कि जिसने ये वीडियो बनाया है, अब हम उसके साथ कोई काम नहीं करेंगे, उस पर हम कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अनुकूल ये नहीं है। तो ये बातें होटल की तरफ से कही गई, लेकिन आप इतने से संतोष नहीं कर सकते। होटल ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया और आप कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन होटल आपका है, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, लोगों की प्राइवेसी बनी रहे इसकी जिम्मेदारी आपकी है और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और उस होटल को इतना ही नहीं विराट कोहली से माफी जरूर मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि
अभी फूड वाली घटना कुछ दिनों पहले हुई थी, जब भारतीय टीम को गर्म खाना नहीं मिला था जिसकी शिकायत की गई थी। उसके बाद आईसीसी ने कहा था कि वो इन चीजों को देखेगा। मुझे लगता है कि इस मामले को भी बीसीसीआई को जो है उठाना चाहिए, वो आईसीसी के साथ ये मामला उठा सकता है और वहां पर इस बात का विरोध दर्ज होना ही चाहिए। तो आप अगर इन चीजों को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये चीजें बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है और विराट का गुस्साना जो है वो वाजिब है। लेकिन ये पता चल गया है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो कि विराट कोहली के रूप में घुसा और उसने वीडियो बनाई और फिर उसे वायरल किया। हालांकि अब ये वीडियो हटाने की बात हो रही है, लेकिन अब आप उसे हटा नहीं सकते क्योंकि विराट ने उसे अपने इंस्टा पोस्ट के साथ शेयर कर दिया है। फिर अब उसके कितने शेयर हो चुके होंगे, तो ये वीडियो पूरी तरह से हटना तो मुझे मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन वीडियो हटे ना हटे, खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। सबका सपना सुंदर सा घर हो अपना। रांची में आपके आशियाने के सपने को पिछले 22 सालों से पूरा करते आ रहा आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन वेल फर्निश्ड डुप्लेक्स सिंपलेक्स एंड प्लॉट्स भी नियर बीआईटीएन विकास विद्यालय पिठोरिया रोड रांची। जो आपको पसंद आए आदित्य सेल्स में वो सभी आपको मिल जाए। दिवालिया धनतेरस के शुभ अवसर पर सैमसंग, सोनी, एलजी, हायर, बजाज, वर्लपूल, एमआई सहित सभी रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनीज के टीवी, होम थिएटर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए पधारें आदिति सेल्स, डील्स इन मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स।